हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कनेक्शन। माय नेम इज दत्तात्रेय शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल, ये हमें कहाँ से लेना है, राइट? आपको पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मिलेंगे और ये जितनी भी कंपनीज है ये पैकेजिंग मटेरियल कैसे प्रोवाइड करती है। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूँ। गाइज, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। सो गाइज, आपने जो भी प्रोडक्ट डिसाइड किया है, आई होप वो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और डेफिनेटली आपको उस प्रोडक्ट के कारण बहुत सारी सेल्स मिलेगी। लेकिन गाइज, क्या होता है कि कभी कभी गलत पैकेजिंग जो है उसके कारण कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है और एक रिव्यू भी डाल देता है कि द पैकेजिंग वॉज नॉट गुड, सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से नहीं मिला और मैं इसे रिटर्न करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप कोई वॉच सेल करते हैं, वॉच से मतलब है वॉल क्लॉक्स हो गई, या फिर आप कोई ऐसी आइटम जिसको पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, अच्छी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप उस प्रोडक्ट को बबल रैप पैक करके एंड उसको बॉक्स के अंदर डाल के ही डिस्पैच करें। क्योंकि अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिला तो हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट के नीचे जो है एक नेगेटिव रिव्यू डाल दे और नेगेटिव रिव्यूज जो है वो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बुरी तरह से बिगाड़ देता है। सो गाइज, अगर आप ऐसी कोई हार्ड चीज जो है सेल करने की सोच रहे हैं तो उसका जो है उस प्रोडक्ट को आप बबल रैप में पैक करके उसे बॉक्स के अंदर डाल के उसको अच्छे से पैक करें ताकि आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक सही तरीके से सही कंडीशन में पहुंचे। दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हल्के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप मोबाइल कवर ले लीजिए या फिर आप अपैरल्स ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, टी शर्ट्स, जैकेट्स, कुर्तीज, ये सब चीज़ें, इसको अगर आप बॉक्स में नहीं भेजेंगे तो दैट्स नॉट एन इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें जो है पॉली बैग्स में भेज सकते हैं। पॉली बैग्स कंपेरेटिवली बबल रैप्स और जो आपके बॉक्सेस होते हैं उनसे जो है वो थोड़ा चीप रहता है, लेकिन वो उन्हीं पर्टिकुलर वो अपैरल्स और उनके लिए ही ठीक रहेगा। क्योंकि आप जो है प्रोडक्ट को जो है एक किसी भी पॉली बैग में पैक करके, एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में पैक करके उसे जो है आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या पेटीएम, जिसकी भी पॉली बैग्स आप लेने वाले हैं, तो उस पॉली बैग में आप पैक करके उसको भेज सकते हैं। सो गाइज, आपको ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस प्रोडक्ट का जो है मैं आपको लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं प्रोडक्ट्स आपके लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से ज़रूर परचेज कीजिए और आपको अच्छे से अच्छे वहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, पास में बने बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, सो दैट आपको मेरे वीडियोज जो है वो सबसे पहले मिले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।